हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। टारगेट 2021 के अंदर आपका सभी का स्वागत है। सो, इस सेशन के अंदर हम लोग कवर अप कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स को, जिसके अंदर हम लोग मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के जो करंट अफेयर्स रहते हैं उसको कवर अप करेंगे 70 दिन के अंदर, 70 डेज के अंदर हमने कवर अप करना है। हम लोग ये सेशंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर रहते हैं, जो प्रिलिम्स और मेंस के अंदर हमें हेल्पफुल रहेंगे, हम उसको कवर अप करेंगे, कोशिश करेंगे। हमने इस सेशन के ऊपर अभी तक का एक लेक्चर लगाया, जिसके अंदर हमने मार्च 2020 के कुछ डेज के करंट अफेयर्स को कवर अप किया था। आज हम लोग उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग मुझे जानते ही हो, मायसेल्फ कनम अग्रवाल, करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ये सेशन इवन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी दिक्कत रहती है करंट अफेयर्स के ऊपर, या ये सेशन को लेकर कोई टॉपिक या समझ में नहीं आया, या कोई ऐसे डिटेल्ड था जो मैंने मिस कर दिया, या फिर आप जो मैंने समझाया आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर बात करें हमारी सबसे पहली न्यूज की, सर क्या है, सर पैलेस्टाइन और इसराइल के ऊपर रहेगी, तो क्या है, यूएन डेलीगेशन मीट की है इंडिया के अंदर ऑन पैलेस्टाइन एंड इसराइल इश्यूज। अब बात करें, सर अ यूएन डेलीगेशन ऑन पैलेस्टाइन विजिटेड न्यू दिल्ली, सर भारत के अंदर आई है न्यू दिल्ली के अंदर टू सीक इंडिया पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। एक्चुअल में क्या है कंसेप्ट देखिए, पैलेस्टाइन और इसराइल के इन बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएन ने, डेलीगेशन ने न्यू दिल्ली में विजिट किया। क्यों विजिट किया, यही कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, ताकि भारत अपनी राय दे सके। सर भारत ने अपनी राय क्यों देनी है, इसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे कि इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो अगर बात की जाए कि यूएन डेलीगेशन ऑन पैलेस्टाइन विजिटेड न्यू दिल्ली टू सीक इंडिया पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन, कि शांतिपूर्वकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कोई समाधान निकल जाए, टू लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड द पैलेस्टाइन, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द विजिट, जब विजिट किया था यूएन डेलीगेशन ने ऑन पैलेस्टाइन, इंडिया हैज रिट्रेटेड इट्स स्टैंड एंड सपोर्ट द टू स्टेट सॉल्यूशन फॉर द इसराइल पैलेस्टाइन इशू। कंसेप्ट देखिए सर, भारत ने किसको सपोर्ट किया था, सपोर्ट द टू स्टेट सॉल्यूशन, याद रखना ये कंसेप्ट को, प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से सर इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सर, टू स्टेट सॉल्यूशन है ये वाला, क्लियर है। अब सर मैं अगर थोड़ा सा डिटेल में ले चलूं, सर टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कहते टू स्टेट सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन यूएन रेजोल्यूशन, is based on UN resolution of 1947. Concept देखिए सर, based है United Nations resolutions of 1947, which proposed the two states, one, उसमें से एक कौन सी होगी, one would be a state where, एक ऐसी state बनाई जाए जहां पे Zionist Jews कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और दूसरी तरफ क्या होगा, पैलेस्टाइन अरब्स रहेंगे। तो ये था आपका टू स्टेट सॉल्यूशन, जिसने भारत ने इस चीज को सपोर्ट किया था, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट है द विजिट एम्ड टू एनहांस द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। सर एक तो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली सपोर्ट चाहिए भारत का फॉर अ पीसफुल सॉल्यूशन टू द इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड एंगेजिंग इंडियन काउंटर पार्ट्स ऑन साइनर्जीज इन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द स्टाफ एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन। एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं सर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमें ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी देखा जाए तो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, तो इस कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है, हमें वो चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। कंसेप्ट याद रखिएगा कि इंडिया का क्या रोल है उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उस चीज के ऊपर हमें फोकस रखना है, अपनी कमांड रखनी है। इसी कमांड के ऊपर मैंने जो आपको बताया था ना टू स्टेट सॉल्यूशन, एक तो इसको दिमाग में रख लो,
सर बेस है यूएन रेजोल्यूशन का 1947 में, जो रेजोल्यूशन यूएन ने निकाला था, एक एक स्टेट बनाई जाए जियोनिस ज्यूज की और दूसरी तरफ बनाई जाएगी पैलेस्टाइन अरब्स की। ये फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, द डेलीगेशन इंटेंड्स टू इन्वॉल्व कंट्रीज लाइक इंडिया एज इट शेयर्स गुड रिलेशंस विद बोथ इजराइल एंड द पैलेस्टाइन। कंसेप्ट देखिए सर, भारत को इसलिए बीच में लाया जा रहा है कि भारत के इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं एंड आर ऑल्सो अटैच टू द मल्टीलेटरल प्रिंसिपल्स टू प्ले अ बिगर रोल इन द रेजोल्यूशन ऑफ द इशूज। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, आप लोग अपने एग्जाम के अंदर ये चीज को लिख सकते हो इफ द क्वेश्चन अराइजेस, कंसेप्ट देख लेना। आगे चलते हैं। अब सर देखो सर क्या है, इसराइल तो ये रहा जो कलर में है, जो हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर है। अब कंसेप्ट दिक्कत किसको लेकर आ रही है सर, ये देखो वेस्ट बैंक और ये गाजा को लेकर दिक्कत आ रही है सर। ये कंसेप्ट देख लेना सर, ये पैलेस्टाइन के अंडर आ रहे हैं सर ये वाले, तो गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर दिक्कत आ रही है, इन बिटवीन इसराइल और पैलेस्टाइन। इंडिया स्टैंड्स ऑन इसराइल पैलेस्टाइन इशू, सर ये चीज तो हम लोगों को छोड़नी नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। 2019 में जून के महीने में इंडिया वोटेड इन द फेवर ऑफ डिसीजंस इंट्रोड्यूस बाय द इसराइल, इंडिया ने इसराइल के हक में वोट किया था। इन कब, इन द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, कहां पे, जून 2019 में इंडिया ने वोट किया था इन द फेवर ऑफ इसराइल इन द इकोसॉक। कहां पे किया था, इकोसॉक में किया था। कंसेप्ट देख लो सर, सर इकोसॉक क्या है, अब इकोसॉक के बारे में भी पढ़ लो सर। इकोसॉक है क्या चीज सर, इकोसॉक है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी डायलॉग और पॉलिसी रिव्यू करने के अंदर। कंसेप्ट देख लेना जी, पॉलिसी डायलॉग और पॉलिसी रिव्यू के अंदर ये इकोसॉक आपकी मेजर रोल प्ले करती है। और सर ये इकोसॉक बना कब था, एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन चार्टर इन 1945। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से सर फिर इंपॉर्टेंट आ गया, कंसेप्ट देख लेना। भारत ने इसराइल के फेवर में वोट किया, कब किया, इकोसॉक में किया। ये इकोसॉक यूनाइटेड चार्टर एक्ट में बना था 1945 में, ठीक। अब अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, इन जून 2018, एक साल और पीछे चले गए, तो इंडिया ने वोट किया इन द फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। एक साल पहले उसने पैलेस्टाइन के फेवर में वोट किया था, भारत ने कब किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। रेजोल्यूशन टू इन्वेस्टिगेट एंड इंडिस्क्रिमिनेट फोर्सेस यूज बाय इसराइल फोर्सेस अगेंस्ट द पैलेस्टाइनियन सिविलियंस। आपको तो पता ही है भारत, इंडिया हमेशा वॉर के अंगेंस्ट ही रहता है, तो उसी के बेसिस पे उसने पैलेस्टाइन के लिए वोट किया था, कब, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर। अब अगर बात करते हैं, कहते एज अ पार्ट ऑफ लिंक वेस्ट पॉलिसी, अगर हम बात करें लिंक वेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, इंडिया हैज डी हाइफनेटेड इट्स रिलेशंस, दोनों के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे इसराइल और पैलेस्टाइन के अंदर 2018 में, टू ट्रीट बोथ कंट्रीज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्लूसिव। अब दिसंबर की बात की जाए 2017 की, इंडिया हैज क्रिटिसाइज द यूनाइटेड स्टेट्स वोट फॉर रिकॉग्नाइजिंग जेरूसलम एज द इसराइल कैपिटल। कंसेप्ट देखिए सर, अब 2017 में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 2017 में इंडिया अंगेंस्ट हो गया, अंगेंस्ट हुआ किसके था, यूनाइटेड नेशंस के अंगेंस्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने वोट किया था, ये बोल दिया था कि जेरूसलम को अब कंसीडर किया जाएगा एज द इजराइल्स कैपिटल, ठीक, ठीक है ना। अब अगर बात करें, कहते हैं कि इन 2014 इंडिया फेवर्ड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। सर क्या है ये, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ये वाला, रेजोल्यूशन टू प्रॉब इजराइल्स ह्यूमन राइट वायलेशन इन द गाजा। ये कंसेप्ट देखो सर, यहां पे गाजा के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेट किए गए थे, डिस्पाइट सपोर्टिंग द प्रॉब, इंडिया एब्स्टेंड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट इजराइल्स इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2015। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सर भारत सरकार इन दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में क्या रोल प्ले कर रही है, कब उसने इसराइल के फेवर में वोट किया, कब उसने पैलेस्टाइन के फेवर में वोट किया। ये आपको दिमाग में हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए,
क्लियर है। अब अगर मैं बात कर लूँ सर, वैसे तो ये पहले बताना चाहिए था ये कौन से पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी जान तो चुके होंगे सर, ये जनरल स्टडीज 2 मेंस पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंसेप्ट याद रखना सर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जून के अंदर 2019 में यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को फेवर किया इकोसॉक में, और जून 2018 में इंडिया ने पैलेस्टाइन को फेवर किया था इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। देखो फेवर भी अलग अलग असेंबलीज में किया था, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो 2017 के अंदर यूनाइटेड इंडिया हैज़ क्रिटिसाइज द यूनाइटेड नेशंस वोट इन इंडिया अगेंस्ट हो गया था, मतलब अगेंस्ट बोल सकते हैं फिर क्रिटिसाइज बोल सकते हैं, उसके मतलब ओपोज में ये लगा लो कि अनाउंसमेंट्स की कि यूनाइटेड नेशन ने जो वोट किया था यूएनजीए के अंदर कि जेरूसलम एज इसराइल कैपिटल 2017 के अंदर। अब अगर मैं बात कर लूँ कि इंडिया एब्सटेंस फ्रॉम द वोटिंग अगेंस्ट इसराइल इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2015, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब हम लोग अपनी दूसरी न्यूज पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं सर, ये न्यूज किस स्पेस के ऊपर है, सर ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के लिए। अब देखिए ये क्या है, ई वेस्ट है, रिसाइकलिंग करना है ई वेस्ट का। सर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ई वेस्ट। सर ई वेस्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कंसेप्ट देखिए सर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब बोला क्या गया है, कहते द गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड दैट ई वेस्ट रिसाइकलिंग हैज डबल्ड इन द कंट्री कंपेयर टू द 2017 से 18। गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड, भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन दी है कि जो भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट 2017-18 होता था, इन बिटवीन एक साल के अंदर वो अब डबल हो गया है। कंपैरिजन किया 2017 और 18 का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है ना। अब सर बात तो बोल तो रहे हो सर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आ क्या क्या जाएगा, कहते इट इज यूज टू डिस्क्राइब ओल्ड एंड ऑफ लाइफ, जिसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ये चीजें आप लोग ई वेस्ट के अंदर ले सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि द गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेड दैट रिसाइकलिंग रेट, जो रिसाइकलिंग रेट है 10% था 2017 से 18 के बीच में, अब वो 20% कर दिया गया है। सर कंसेप्ट देखो, एक तो आप बोल रहे हो कि 2017 से 18 में जो भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करती थी वो 10% करती थी, अब उसने अपना वही परसेंटेज बढ़ा दिया, 20% कर दिया, बट उसका बेनिफिट तो कोई ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर सपोज कर लो, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास 50 था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अब हो भी तो मेरे पास 100 गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ डबल, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेज्ड प्रॉपरली, सर क्यों मैनेज करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये न्यूज ही क्यों उठी, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट एज कंपेयर टू द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। कहते इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं। अब लेट्स से सपोज कर लो सर, हार्ड डिस्क ले लो लैपटॉप की, कंप्यूटर की, और कुछ भी ले सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड रहता है, आपका टीवी ले लो, आप एलईडी ले लो, ठीक है ना, आपके जो बल्ब आते हैं वो चीज ले लो। कहते उसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, लेड निकलता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मर्करी होता है, कैडमियम होता है, क्रोमियम होता है, पॉलीब्रोमिनेटेड होता है, बायफिनाइल्स एंड पॉलीब्रोमिनेटेड डायफिनाइल। ये चीजें, ये आपके कंटेंट्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर मिलते हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा है, सपोज करो हमने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बाहर गिर दिया, ऊपर से आ गई बारिश, सर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से अगर लेड निकल गया, वो लेड किस में मिक्स हो गया सर, वाटर के अंदर। अब अगर वो वाटर किसी ने भी कंज्यूम कर लिया सर, उसका क्या होगा, वो डायरेक्टली उसकी किडनीज क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, याद रखना डैमेज हो जाती है। कहते लेड मिक्स्ड इन द वाटर कैन कॉज द डैमेज ऑफ द किडनीज, ये कंसेप्ट को याद रखो, इसीलिए तो हमने ये कंसेप्ट बोला सर रिसाइकलिंग करना शुरू कर दो। अब आगे चलते हैं, ये बोलते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर कि नॉन डिस्पोजल्स, जो डिस्पोज नहीं हो सकते, एंड बर्निंग ऑफ ई वेस्ट कैन हैव सीरियस इम्प्लिकेशंस ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड कैन कॉज एयर पॉल्यूशन, तो होगा ही होगा। सॉइल पॉल्यूशन सर कैसे होगा, सर सॉइल पॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा अगर वही राख
विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल वो नीचे आ जाती है एंड द ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। सर अभी कंसेप्ट बोलो ना, अगर आपकी मिट्टी के अंदर लेड मिक्स हो गया तो वो नीचे भी तो ग्राउंड वाटर के अंदर वो जाएगा ही जाएगा, जिससे आपका ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ये कंसेप्ट को याद रखिए। अच्छा एक मैं आपको चीज बोल देता हूँ, हालांकि भारत सरकार ने ये दावा किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट ई वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज लोअर, कि ई वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज लोअर देन द एस्टिमेटेड बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज। याद रखना, ये नहीं बोलती भारत सरकार कि डबल नहीं हुआ। सर ठीक है मानते हैं डबल तो हुआ, बिल्कुल हुआ, बट जो इंटरनेशनल लेवल पे एजेंसीज हैं वो बोलती बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भारत सरकार सॉरी भारत के अंदर मिल रहा है, बट इतना भी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलना चाह रही है। आगे चलते हैं, ये बोलते हैं कि द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 इंडिया जनरेट्स अबाउट 2 मिलियन टन्स। सर कंसेप्ट को देखो जी, 2 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट एनुअली। इंडिया भारत ने फिफ्थ रैंक हासिल किया है, कहते इंडिया रैंक्स फिफ्थ अमंग ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो टॉप पे कौन सी रहेंगी, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी। कंसेप्ट को देखो सर, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान और जर्मनी। द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब भारत सरकार ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर आई है 2016, वो क्या चीज है सर, वो अभी अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। विच एनफोर्सेस द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको बोलते EPR। अगर मैं थोड़ा सा ना आपको वर्बली बोल दूं सर, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर कंसेप्ट एक ये भी जुड़ेगा, हालांकि मैंने ये स्लाइड में यूज नहीं किया। सपोज कीजिए आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मार्केट से परचेज कर कर लेकर आते हैं 100 रुपये का, ठीक है ना, 100 रुपये का, बट उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 80 रुपये, तो आपने पे किया 100 रुपये, जो 20 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे किया वो क्यों किया, ताकि इन फ्यूचर में जब आप वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज करके थ्रो कर दोगे तो उसको रिसाइकल करने की जो कॉस्ट आती है वो भी आज के बाद कंज्यूमर ही पे करेगा। वो कंसेप्ट भी हम लोग ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है इस चीज को। बोलते हैं अंडर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको EPR बोला गया प्रिंसिपल, द प्रोड्यूसर हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम गुड्स वंस दे हैव रीच देयर एंड लाइफ। कंसेप्ट देखिए सर, मिलजुल गया ना जो भी हमने बताया था। आगे बोला गया कि इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, भारत का इंपॉर्टेंट रहेगा सर, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रीगेटिंग प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, जो घर घर में दिखता है, एंड कमर्शियल यूनिट्स विल सून बी सेटअप इन भोपाल मध्य प्रदेश। कहां पे लगने जा रहा है सर, ये लगेगा आपका भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको बुलाया गया है ई वेस्ट क्लिनिक, ठीक है ना। आगे चलें, अब आगे अगर देखा जाए ये डायग्राम, हालांकि ये डाटा 2020 का नहीं है, ये इन बिटवीन आपका 2018 से 2019 का रहेगा, याद रखिएगा ये 2018 से 19 का रहेगा अगर ये डाटा देखा जाए तो। सर ये डाटा के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 44.7 मेट्रिक्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट अगर हुआ, जिसके अंदर लैम्प्स ने कितना अपना दिया योगदान, 0.7 मेट्रिक टन्स का। स्मॉल आईटीज ने, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, उन्होंने कितना दिया सर। स्क्रीन्स, ये स्क्रीन के अंदर आप कुछ भी लगा लो सर, मोबाइल स्क्रीन लगा सकते हो, प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा सकते हो, टीवी स्क्रीन लगा सकते हो, कुछ भी स्क्रीन लगा लो सर, उसके ऊपर है 6.6 मेट्रिक टन्स। टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट सर, टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट्स के अंदर आपका कितना रहेगा, 7.6 मेट्रिक टन। इसके अंदर आप थर्मामीटर नहीं, आप सेंसर्स भी यूज कर सकते हो, याद रखना सर, सेंसर भी यूज करोगे आप लोग। लार्ज इक्विपमेंट सर 9.2 मेट्रिक टन्स, और सबसे ज्यादा कंसेप्ट देखिए सर, सबसे ज्यादा वेस्ट, ई वेस्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल इक्विपमेंट, छोटे छोटे इक्विपमेंट ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है 16.8 मेट्रिक टन्स का ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, करेक्ट है यहाँ तक। तो ये परसेंटेज आप यूज कर सकते हो, बट मैं बार बार बोल दूंगा ये वाला डाटा थोड़ा सा पुराना है, 2018 से 2019 का ये वाला डाटा है आपका, ठीक है।
आगे चलें हम लोग। अब अगर बात करें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की, जो अभी हमने देखा था सर, ये ऐसे कौन से रूल्स हैं? ये बोलते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सर कंसेप्ट याद रख लो, पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा सर। अगर पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ जी। सर पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है जी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कौन सी मिनिस्ट्री देख रेख कर रही है सर, ये कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज को, सर आपको पता होना चाहिए कि ये रूल निकाला ई वेस्ट, वो कौन सी मिनिस्ट्री है। नोटिफाइड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है ना, इन सप्रेशन ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड द हैंडलिंग रूल 2011। कहते इसके तहत क्या चीज आई है, द न्यू ई वेस्ट रूल इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। कौन सा है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स आगे, जिसको CFL बोलते हो आप लोग, यूज कर रहे हो, एंड अदर मर्करी कंटेनिंग लैंप्स एज वेल एज अदर सच इक्विपमेंट्स। ये काफी डेंजरस रहते हैं, याद रखना ये बहुत डेंजरस रहेंगे जो मर्करी कंटेनिंग लैंप्स रहते हैं। बोले कहते फॉर द फर्स्ट टाइम द रूल ब्रॉट द प्रोड्यूसर्स अंडर, जो प्रोड्यूसर्स हैं अब कोई भी कंपनी वाला है उसको पहली बार भारत सरकार ने EPR के अंडर लेकर आए हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद टारगेट्स। कौन सा टारगेट है कि प्रोड्यूसर हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल। अब जिस कंपनी ने कोई भी चीज बनाई वो ही कंपनी रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट एंड फॉर इट्स एक्सचेंज। सर वही कंपनी रिस्पॉन्सिबल है तो मैं डायरेक्टली एक कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, सर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर रिसाइकलिंग के लिए वही कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो हमने अभी बोला था ना कि EPR के तहत ही, EPR के अंडर ही वो कंपनी कंज्यूमर से एक्स्ट्रा कॉस्ट आज के टाइम पे चार्ज करने लग गई फॉर द रिसाइकलिंग। कंसेप्ट देखिए सर, फॉर द रिसाइकलिंग, ठीक है ना, आगे चलें, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले न्यूज आ रही है अपने पास कि इंडिया एज एन ऑब्जर्वर एट IOC। सर IOC क्या है, इंडियन ओशन कमीशन में, कहते हैं इंडिया हैज बीन एक्सेप्टेड एज एन ऑब्जर्वर ऑफ द इंडियन ओशन कमीशन। इंडिया ने, भारत सरकार ने अभी एक्सेप्ट किया कि ठीक है भैया हम लोग ऑब्जर्वर बन जाएंगे इन द इंडियन ओशन कमीशन में। कहते इंडिया ज्वाइनिंग, जब भारत सरकार ने IOC को ज्वाइन किया एज एन ऑब्जर्वर, दैट हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज द कमीशन इज एन इंपॉर्टेंट रीजनल इंस्टीट्यूशन इन द वेस्टर्न अफ्रीकन इंडियन ओशन। कंसेप्ट देखिए सर, भारत सरकार ने जब एज एन ऑब्जर्वर के रूप में ये बोला कि मैं इंडियन ओशन कमीशन का ऑब्जर्वर बन जाता हूँ, तभी हमें ये इंपॉर्टेंस पता लगी थी कि यहाँ पे एक कमीशन इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन। इसी कमीशन के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, कहाँ पे सर, वेस्टर्न या फिर अफ्रीकन इंडियन ओशन में। मैं इसी के ऊपर आपको आऊंगा अभी दूसरी तीसरी स्लाइड के ऊपर, याद रखिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज 2 का इंपॉर्टेंट पार्ट है सर ये वाला, आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसको लिख सकते हो, इसमें कुछ ऐसे ऐसे अच्छे पॉइंट आएंगे आने वाले टाइम में। ये बोलते हैं कि द इंडियन ओशन कमीशन is an intergovernmental body, बिल्कुल ठीक है, intergovernmental body है। 1984 में इसको बनाया गया था, क्यों बनाया गया, reason क्या है बनाने का, to protect the interest of western Indian Ocean Island। sir किसको, western Indian Ocean Island। sir western Indian Ocean Island में आप लोग क्या देख सकते हो, sir मेरे दिमाग में एक ही concept आ गया sir, जब मैंने बोला ना western Indian Ocean Island तो कौन सा आएगा sir, वो आएगा Madagascar। sir जी ये Madagascar क्या चीज है, लीजिए sir बना देते हैं जी Madagascar। सपोज कीजिए, अरे एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। अब कंसेप्ट देखिए सर, अब कंसेप्ट देखना, लेट्स से सपोज दिस इज एन अफ्रीका, लेट्स से सपोज अगर ये आपका अफ्रीका है तो भैया यहां पे आइलैंड रहता है विच नेम्स Madagascar, तो वो हम लोग वेस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड के अंदर कंसीडर कर रहे हैं उस चीज को। कहते इट कंसिस्ट ऑफ Madagascar, अभी लिख तो दिया था ना, कॉमोरोस बोल दिया, ला रीयूनियन, ये क्या है ला रीयूनियन, क्या है ये, है फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी। कंसेप्ट देखिए, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है, मॉरिशियस आ रहा है और सेशल्स आ रहा है। द कमीशन हैज 5 ऑब्जर्वर्स। इंपॉर्टेंट रहेगा सर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेस्टर्न इंडियन ओशन
सॉरी वेस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड के अंदर कौन कौन से ऐसे आइलैंड आ रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, दिमाग में बैठी होनी चाहिए आप लोगों के। ये बोलते हैं कि द कमीशन हैज फाइव ऑब्जर्वर्स, कौन कौन से, इंडिया बिल्कुल होगा क्योंकि इंडियन ओशन किसका है, भारत का ही रह रहा है, चाइना बिल्कुल लग रहा है, यूरोपियन यूनियन, अब ये थोड़ा सा नया आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन, माल्टा एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोनियो जिसको बोला गया OIF। कंसेप्ट देख लीजिए, अनदर सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आपके लास्ट वाले तीन पॉइंट्स है ना, ये वाले, एक मिनट फ्रेंड्स, जो ये वाले तीनों के तीनों पॉइंट्स है ना, आप लोगों के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोई भी एग्जाम ले लो सर, इसके अंदर प्रीलिम ले लो या मेन ले लो, मैं तो तीनों के, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रखूंगा ये तो, क्योंकि अगर क्वेश्चन कब आ जाता है ना तो काफी अच्छा आप लोग पेपर इसके ऊपर लिख पाओगे, आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिल जाएगी इसके अंदर। अब बात करते हैं कि एंगेजमेंट विद द वेस्टर्न इंडियन ओशन, कहते इट फैसिलिटेट्स कलेक्टिव एंगेजमेंट विद द आइलैंड्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन दैट आर बिकमिंग स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट, बिल्कुल ठीक है। मेडागास्कर ये रहा फ्रेंड्स, दिस इज योर मेडागास्कर, दिस इज योर मेडागास्कर, ये मॉरिशियस रहा, कंसेप्ट देख लिए, ये सेशल्स रहा, ठीक है ना। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, कहते हैं चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द रीजन, इंडिया विल बी एबल टू इंक्रीज इट्स नेवल प्रेजेंस, जैसा कि अभी हमें पाकिस्तान और चाइना से थ्रेट्स मिलते रहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर बनने से इंडिया का बेनिफिट क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सर अपने लिए, तो ये लीजिए बटन ऑन कर लीजिए दिमाग का सर, आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत सरकार अपनी नेवी की प्रेजेंस इंक्रीज कर सकता है एज एन ऑब्जर्वर के रूप में इन द इंडियन ओशन and gain support for its maritime project across the Indo-Pacific, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि the Western Indian Ocean, जिसको बोलेगा WIO, is also a strategic location of the Indian Ocean, linking the southeast coast of Africa. सर southeast coast क्या हो गया सर, ये अब कंसेप्ट देखो सर, southeast coast इसको बोला गया, ये कंसेप्ट को बोला गया सर, साउथ ईस्ट कोस्ट के अंदर मैं किस चीज को ले सकता हूं, एक मिनट, साउथ ईस्ट कोस्ट को मैं ले सकता हूं मोजेम्बिक्यू, मोजेम्बिक, ये एक कंसेप्ट देख लो सर, ये क्या है सर, दिस इज माय साउथ अफ्रीका सर, यहां पे मेरा रह जाता है क्या, मोजेम्बिक्यू नेशन, ये कहां पे आ रहे हैं सर, ये साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में आ रहे हैं ना, टू द वाइडर इंडियन ओशन एंड बियॉन्ड, कंसेप्ट देख लेना सर इसके अंदर, ठीक है ना। आगे चलें, अब अगर बात करें कि द मोजेम्बिक्यू चैनल इज एन आर्म ऑफ इंडियन ओशन लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका कंट्रीज ऑफ मेडागास्कर एंड मोजेम्बिक्यू, मैं आपको यही वाला पहला पॉइंट दिखाता हूं, दिस इज द मोजेम्बिक्यू चैनल, अभी हमने बोला था ना कि मोजेम्बिक्यू चैनल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों सर, क्योंकि ये ये कहां पे है, मोजेम्बिक्यू चैनल इज लोकेटेड बिटवीन मोजेम्बिक्यू एंड मेडागास्कर, कंसेप्ट याद रखेगा सर, कहां पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, लोकेटेड बिटवीन मेडागास्कर एंड मोजेम्बिक्यू। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि द मोजेम्बिक्यू चैनल लॉस इट्स सिग्निफिकेंस, कुछ समय पहले ना मोजेम्बिक्यू चैनल ने जो अपनी विशेषताएं थी उसने खो दी, उसे कैरेक्टरिस्टिक्स खो गए थे, क्यों सर, क्योंकि यहां पे जो स्विस कैनाल है, कंसेप्ट देखिए, स्विस कैनाल वो ओपन हो गया था, बट द रीसेंट हॉस्टिलिटीज नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्रॉट द चैनल बैक इनटू फोकस एज द ओरिजिनल रूट फॉर द बिगर कमर्शियल वेसल्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट को मैं अब आपके सामने समझाना शुरू करूंगा सर। एक तो कंसेप्ट देखिए, स्विस कैनाल, स्विस कैनाल कहां पे है सर, ये रहा स्विस कैनाल, एक ऐसा कैनाल है जो मेडिटेरानियन सी को रेड सी के साथ जोड़ रहा है, कंसेप्ट देख लेना सर, हमने अभी बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस ब्रॉट द चैनल बैक, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे ऐसा क्या था, ये कहां पे है, अब देखो सर, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, कहां पे है सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस आपका मिल जाएगा इन बिटवीन ओमान एंड ईरान, कंसेप्ट देखो सर, ओमान एंड ईरान, मैं आपको बताऊं ओमान कहां पे, ये रहा आपका ओमान, ये देखिए, दिस इज योर ओमान एंड दिस इज योर ओमान, जो मैंने डॉट्स, एक मिनट, जो मैंने यहां पे डॉट्स लगाए ना, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, ये रहा, दिस इज योर ओमान
और दिस इज ईरान, तो ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है। तो अगर यहां से कमर्शियल, अब देखिए कंसेप्ट देखिए, अरेबियन सी, अरेबियन सी किसके साथ लग रहा है सर? अरेबियन सी लग रहा है भारत के साथ। अब यहां से कोई भी कमर्शियल वेसल आ गया, यहां से कमर्शियल वेसल आ गया, तो वो यहां से गुजरता हुआ पर्शियन गल्फ से होता हुआ ऊपर को चलता था। बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, हॉर्मूज की जो विड्थ है वो कितनी है, वो है 33 किलोमीटर की, कि यहां से लेकर यहां तक ये 33 किलोमीटर लंबा सिर्फ वाइड चौड़ाई है। अगर इससे भी ज्यादा कोई वेसल आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सर। तो इसलिए तो यहां पे लिख दिया ना कि मोजाम्बिक चैनल अब फिर से एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे लिखा ही हुआ है फॉर द ऑयल टैंकर्स। अगर आज की आप बात कर लो सर, रिसेंटली न्यूज क्या आई है, स्विस केनाल में प्रॉब्लम भी तो आ गई, जो लार्ज वेसल स्टक हो गया इन द स्विस केनाल, ठीक है ना। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स इन द मोजाम्बिक चैनल फर्दर इंक्रीज सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन। सर हमें मोजाम्बिक चैनल पे नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब क्या बोलते हैं कि इट विल ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट कॉपरेशन विद फ्रांस। अभी हमें फ्रांस के साथ कॉपरेशन में भी हेल्प करेगा, दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। कंसेप्ट देखिए, फ्रांस भी प्रेजेंट रहता है इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है ना। आगे चलें, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। यहां तक हमने क्लियर कर लिया है। अब देखें तो कहते इट विल ऑल्सो हेल्प, अब जो सागर एक्सरसाइज हम लोग करते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी इन द रीजन, इसमें भी हमें काफी हेल्प मिलेगी। सागर इज आर्टिकुलेशन ऑफ इंडिया विजन फॉर द इंडियन ओशन विच एम फॉर एनहांसमेंट ऑफ द कैपेसिटीज टू सेव गार्ड लैंड एंड मैरिटाइम टेरिटरीज इंटरेस्ट डीपनिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन इन द लिटरल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स आप लोगों को। आगे चलते हैं, ये तो COVID-19 नाउ पैंडेमिक, किसने बोल दिया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, भैया ऐसा क्या हो गया? कहते COVID-19 कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ पैंडेमिक नाउ। अब तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए द डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक और एपिडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है? कहते अ पैंडेमिक इज अ डिक्लेयर्ड व्हेन अ न्यू डिजीज, कोई भी नई बीमारी फॉर विच पीपल डू नॉट हैव इम्यूनिटी, अब सहन शक्ति नहीं है ह्यूमन बीइंग में, इम्यूनिटी उसकी नहीं है अराउंड द वर्ल्ड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, उसको क्या बोल दो? पैंडेमिक। अगर मैं बात करूं एपिडेमिक इज अ लार्ज आउटब्रेक वन दैट स्प्रेड अमंग अ पॉपुलेशन और अ रीजन, वो कंसेप्ट याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक और एपिडेमिक, क्लियर है। कहते इंडियन गवर्नमेंट हैज इशूड अ न्यू ट्रेवल एडवाइजरी, बिल्कुल ठीक है, स्टेटिंग दैट ऑल एग्जिस्टिंग वीजाज, जो वीजाज थे एक्सेप्ट डिप्लोमैटिक सर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, मतलब क्या है आने वाले टाइम में अगर आप लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर सिलेक्शन लेते हो तो फ्यूचर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो भैया आपका तो वीजा क्या होगा, खत्म नहीं किया जाएगा क्योंकि आप डिप्लोमैट्स हो। यूएन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोजेक्ट वीजाज स्टैंड सस्पेंड टिल 15th April, बींग फ्रॉम सॉरी बिगनिंग फ्रॉम द 13th of March तक सस्पेंड किए गए थे। पहले दो पॉइंट्स क्लियर, बेसिक्स थे ये। तो अब बात की जाए वीजा फ्री ट्रेवल फैसिलिटी ग्रांटेड टू द ओसीआई कार्ड होल्डर। सर ओसे क्या होता है सर? ओवरसीज वाले जो सिटीजन होते हैं ना, ठीक है ना, कार्ड होल्डर्स इज आल्सो सस्पेंड, इसको भी सस्पेंड किया गया था फॉर द सेम ड्यूरेशन। एनी फॉरेन नेशन हु अटेंड टू ट्रेवल टू इंडिया फॉर कंपेलिंग रीजंस मे कॉन्टेक्ट द नियरेस्ट इंडियन मिशन, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, कहते हैं ऑल इनकमिंग ट्रेवल्स इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल्स अराइविंग फ्रॉम और हैविंग विजिटेड, या फिर वो आ रहे हैं और या रिसेंटली वो विजिट किया है कहां, कौन कौन सी कंट्रीज, चाइना, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी, आफ्टर द 15th of February शेल बी क्वारंटाइन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 14 days। इंटरनेशनल ट्रैफिक थ्रू लैंड बॉर्डर्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड एज वेल। सर ये कंसेप्ट आप लोग को बताएंगे, ये कहाँ पे अप्लाई किया गया था? बांग्लादेश के अंदर। कंसेप्ट याद रखना, नेपाल के अंदर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए सर। इवन भूटान के अंदर भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, ठीक है ना। कहते द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन
एंड हाईवेज हैज इशूड एन एडवाइजरी टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स टू एंश्योर सैनिटेशन ऑफ सीट्स हैंडल्स एंड बार्स. इंडिया विल सेंड अ टीम ऑफ डॉक्टर्स. इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर अपने लिए कि भारत सरकार ने डॉक्टर्स की टीम भेजी इटली के अंदर फॉर टेस्टिंग इट्स नेशनल्स फॉर द कोरोना वायरस टू ब्रिंग देम बैक वाइल सैंपल ऑफ 529 मोर पीपल हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम ईरान. अब अगर आगे का पॉइंट देखा जाए कि द यूनियन होम मिनिस्टर हैज ट्रांसफर्ड सम ऑफ इट्स पावर टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फॉर टैकलिंग द कोविड 19 if the outbreak turns out to be disaster of national proportions. Clear? अगर बात करें next news की sir, तो states to be asked the invoke क्या रहेगा epidemic disease act. Concept देखिए sir, states to be asked to invoke epidemic. कौन सा act ऐसा disease act आ गया ये वाला. ये क्या है कहते इन अ कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग इट हैज बीन डिसाइडेड दैट स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज की स्टेट्स और यूटीज भारत की शुड इनवोक प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897. इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सर, मैं इसको अलग कलर से आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूं सर. कौन सा सेक्शन रहेगा? सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897. कंसेप्ट देख लेना सर, सेक्शन 2 है ये वाला. अगर आगे चले और आगे चलते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, बट बाय इनवोकिंग सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट एडवर्सरीज एंड डायरेक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर विल बी एनफोर्सेबल. इंपॉर्टेंट रहेगा सर ये वाला पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए कि सर हेल्थ हालांकि स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आता है बट सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 वो इसके अंदर भी एनफोर्सेबल रहेगा, ठीक है. अगर बात करें एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू. कहते वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स टू टैकल द एपिडेमिक ऑफ. कौन सा सबसे पहले ऐसा कौन सी डिजीज आ गया था कि हमें 1897 का एपिडेमिक एक्ट लेकर आना पड़ा बाय द ब्रिटिशर्स? वो था सर ब्यूबोनिक प्लेग. हमने बोला था ना ब्यूबोनिक प्लेग आ गई थी दैट ब्रोक आउट इन द देन स्टेट ऑफ बॉम्बे. सर इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रिलिम लगा लो, मेन लगा लो सर, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए, ठीक है ना. चाहे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा सकते हो आप लोग, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए सर, नॉलेज होनी चाहिए. आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो कि हाँ भैया ठीक है हम तो लिख देंगे इस चीज को. तो यही तो करंट अफेयर रहता है कि हमें इतना नॉलेज होना चाहिए इस चीज के ऊपर सर, कुछ भी आज हम तो लिखने के लिए तैयार बैठे हैं. वो कंसेप्ट बोलता है करंट अफेयर का, हमें रखना नहीं है करंट अफेयर को, हमें समझना है, हमें दिमाग में लगाना है कि ये चीज ऐसे क्यों आई. कोई भी अगर न्यूज आती है ना तो उसके पीछे दो तीन कारण रहते हैं सर, वाई, और अगर आया तो भारत सरकार का क्या रोल रहेगा और उसके पीछे पास्ट क्या था भारत सरकार का और भारत सरकार का फ्यूचर क्या रहेगा. ये चार चीजों के ऊपर आप लोगों ने काम करना है करंट अफेयर में बस, ठीक है ना. सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि दिस लॉ एम्स टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीज अंडर द एक्ट. Temporary provisions or the regulations can be made to be observed by the public to tackle or prevent the outbreak of the disease. Concept देखिए सर, outbreak of the disease है, उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेकर आए थे जिसको बोला गया एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897. बेसिकली वो क्यों रोका गया था? वो था ब्यूबोनिक प्लेग जो बॉम्बे के अंदर आ गया था. क्लियर है? अब अगर बात करें आगे फर्दर थर्ड पॉइंट की, सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट. सर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक. इट अलाउ द गवर्नमेंट, इसने ये एक्ट ने भारत सरकार को अलाउ कर दिया टू इंस्पेक्ट एनी शिप अराइविंग. कोई भी अगर सी से शिप आती है उसको इंस्पेक्ट करना है, और लीविंग एनी पोस्ट
एंड द पावर टू डिटेन एनी पर्सन इंटेंडिंग टू सेल और अराइविंग इन द कंट्री। तो इसी के तहत, ये ही डिजीज एक्ट के तहत तो भारत सरकार को पावर्स मिली थी। अब आगे चलें कि सेक्शन 3 में कि प्रोवाइड पेनल्टीज, पेनल्टी लगी फॉर डिसओबेइंग एनी रेगुलेशंस और द ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट, दीज आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इंपॉर्टेंट रहेंगे सर ये वाले दो पॉइंट्स इस स्लाइड के, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमल्गेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, क्लियर है। सेक्शन 4 का क्या है कि सेक्शन 4 गिव्स लीगल प्रोटेक्शन टू द इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर एक्टिंग अंडर द एक्ट। सर सेक्शन 4 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन देनी है, लीगल प्रोटेक्शन देनी है कि जिस पब्लिक सर्वेंट ने ये कानून को लगाया, इंपोज किया, ठीक है ना। अब अगर बात करें तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट इज रूटीनली एनफोर्स्ड अक्रॉस द कंट्री फॉर डीलिंग विद आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज सच एज स्वाइन फ्लू, डेंगी, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब अपनी दूसरी न्यूज आ रही है सर, सह्याद्रीज मेगा न्यू पेडी वैरायटी। इंपॉर्टेंट रहेगी सर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, सर जनरल स्टडीज 3 में आपको ये वाली न्यूज पूछ सकते हैं ये लोग, क्लियर है। अब देखते हैं, कहते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, कंसेप्ट देखिए सर, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंस और शिवमोगा जो कर्नाटका के अंदर है, हैज डेवलप्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ पेडी, इन दोनों मिलकर एक नई किस्म की पेडी को बनाया, कौन सी है, सह्याद्री मेगा, क्या नाम है उसका, सह्याद्री मेगा। कहते पेडी ग्रोअर्स आर स्विचिंग ओवर टू कमर्शियल, सर पेडी ग्रोअर थे ना जो पहले किसान थे, वो अब स्विच कर रहे हैं कमर्शियल्स के ऊपर, क्यों सर, प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर, एक तो कई तरह के डिजीज मिल रहे हैं पेडी के अंदर जिसके कारण फसल खराब हो रही है और लॉस के ऊपर लॉस जा रहा है, इसीलिए तो किसान अब कमर्शियल क्रॉप के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। और वो कौन सी कमर्शियल क्रॉप्स हैं जो अब किसान शिफ्ट होने पे मजबूर हो चुका है, वो है आनिकानट, जिंजर, रबर फॉर द ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स, कंसेप्ट देख लो सर। द एरिया अंडर द पेडी, अब जो एरिया था अंडर द पेडी वो कितना था, दैट वाज अराउंड 1.5 लाख हेक्टेयर्स इन द शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट 1990 में, 1990s की मैं बात कर रहा हूं। अब वही एरिया कितना रह गया, अगर आज की बात की जाए करंट की, तो वो रह गया 1.05 लाख हेक्टेयर्स का, कंसेप्ट देख लो सर, पहले 1990 में 1.5 लाख हेक्टेयर का हिस्सा एरिया पेडी के अंदर कल्टीवेट किया जाता था, अब है 1.05 लाख हेक्टेयर्स का। अब अगर आगे देखें, सह्याद्री मेगा इज अ रेड वैरायटी, सर जो सह्याद्री मेगा है ना वो रेड वैरायटी ऑफ पेडी है, दैट इज अ रेजिस्टेंट टू ब्लास्ट डिजीज, सर ये क्या बोल दिया जी, ब्लास्ट डिजीज, कंसेप्ट देखिए सर, ब्लास्ट डिजीज एक ऐसा बीमारी है जो बेस्ड रहती है फंगस के ऊपर, फंगस, ठीक है ना, वो कौन सी है, पेरिक्यूलेरिया ग्रीसिया, या फिर उसको क्या बोल सकते हो, राइस फीवर, क्या बोल सकते हो, राइस फीवर। और इंडिया के अंदर ये सबसे पहले कब दिखी थी, इट वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन इंडिया इन 1918, 1918 में ये भारत में हम बोलते हैं राइस फीवर सबसे पहले दिखा था, बिल्कुल ठीक है ना। आगे चलते हैं, कहते इट वॉज डेवलप्ड अंडर द हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग मेथड, कौन सा मेथड यूज किया गया, हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग मेथड यूज किया गया था, बाय क्रॉस ब्रीडिंग द बेस्ट अमंग द ज्योति वैरायटी विद दैट ऑफ अकालू, अ डिजीज रेजिस्टेंट एंड अ प्रोटीन रिच पेडी वैरायटी, कंसेप्ट याद रखना। सर एक तो मुझे ये बताइए कि हमने ये वैरायटी को बनाया ही क्यों, अगर ना बनाते तो यार अपने लिए तो एक न्यूज कम हो जाती, बट आई, बनाया क्यों, अगर बनाया तभी तो न्यूज आई। कंसेप्ट देखो सर, अपने पास स्टार्टिंग में ना एक ज्योति वैरायटी थी, कौन सी ज्योति वैरायटी थी, जो बहुत ज्यादा कल्टीवेट की जाती थी कर्नाटका के एरियाज में, वो कौन सा एरिया था जब ये कल्टीवेट की जाती थी, वो था भद्रा और एक था तुंगा। सर कंसेप्ट देखो, तुंगा भद्रा नदी कहां पे मिलती है, ये तुंगा भद्रा नदी वाले एरियाज है, ये अपने को कर्नाटका में देखने को मिलती है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ज्योति वैरायटी थी जो कर्नाटका के अंदर काफी ज्यादा कल्टीवेट की जाती थी, अब क्यों नहीं की जा रही, सर ये वैरायटी ज्योति वैरायटी अब इफेक्ट हो चुकी है
ब्लास्ट डिजीज से, जो फंगस के ऊपर बेस, अभी जो हमने बोला ना कि भारत के अंदर सबसे पहले 1918 में इसको देखा गया था, तो इसीलिए तो हमने न्यू वैरायटी लेकर आए, वो कौन सी है, वो आपकी सह्याद्री मेघा। अब आगे आता है, द न्यू वैरायटी विल बी नोटिफाइड अंडर द इंडियन सीड एक्ट 1966। कंसेप्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको मार्क कर रहा हूं। सर जो नई वैरायटी आई है ना, वो कौन से एक्ट के अंडर आ रही है, वो है इंडिया सीड एक्ट 1966, शॉर्टली आफ्टर विच इट विल बिकम पार्ट ऑफ द सीड चेन। अगर मैं पीसीएस की बात कर रहा हूं ना, 1966 एक ऐसा ईयर है जब पंजाब डिवाइड किया गया, जब पंजाब बना था। कंसेप्ट याद रखना, जब पंजाब आया था, ठीक है ना, बॉर्न ऑफ पंजाब ईयर। तो यही है इंडियन सीड्स एक्ट 1966, तो इसी के अंडर हमने सह्याद्री मेगा जो न्यू पेडी वैरायटी है उसको इजाद किया है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं हमें। हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ये क्या है कि डिफेंस फंड शॉर्टफॉल। सर डिफेंस फंड शॉर्टफॉल की अगर बात की जाए तो ये GS3 का रहेगा न्यूज, जनरल स्टडीज 3 का। इसके अंदर क्या है कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस के ऊपर है, हैज शोन कंसर्न एट वाइडनिंग द गैप बिटवीन प्रोजेक्शंस एलोकेशंस इन द डिफेंस बजट। बिल्कुल ठीक है, कहते देयर इज अ कंसीडरेबल शॉर्टेज इन द एलोकेशन इन द कैपिटल हेड। वो कितना आ गया, लेस देन 35%। तीसरा पॉइंट है, द कमेटी नोटेड दैट कमिटेड लाइबिलिटीज constitute a significant part of capital head and inadequate allocations would definitely lead to default situations. Sir, default situations तो आएंगी ही आएंगी क्योंकि capital head में कमी आ रही है। अब क्या आया, both navy and Indian Air Force have a situation where their committed liabilities are more than their share of capital allocation in the budget. Important रहेगा examination point of view से सर अपने defense के ऊपर ये वाला। इवन इकोनॉमी में भी हम लोग ये पॉइंट को लिख सकते हैं। अब एक और पॉइंट है, देखते हैं, कहते सच सिचुएशंस इज नॉट कंड्यूसिव फॉर प्रिपरेशंस ऑफ द कंट्री टू मॉडर्न डे वॉरफेयर। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो, वेयर पोजेशंस ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव मॉडर्न मशीन्स इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर टिल्टिंग द रिजल्ट ऑफ द वॉर इन द फेवर एंड ऑल्सो टू हैव अ क्रेडिबल डिटेरेंस। क्लियर है? अगर बात करें सर कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, देखिए ऑपरेशनलाइजेशन की अगर बात की जाए तो 3 टायर्स हैं जिसके अंदर आपका आ गया डिफेंस स्पेस एजेंसी आ गई, क्योंकि 3 टायर्स है ना, तो 3 सर्विसेज कौन कौन सी आ रही हैं, DSA आ रहा है, मतलब डिफेंस स्पेस एजेंसी आ गई, एक आ गया डिफेंस साइबर एजेंसी आ गई DCYA, और एक आ गया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन। कंसेप्ट देख लेना सर। अगर मैं बात करूं सर कितना कितना परसेंटेज बजट के अंदर मिल रहा है, आर्मी को 56% मिला, एयरफोर्स को 23% मिल गया, नेवी को 15% मिला, और अगर DRDO की बात करूं तो 6% आ गया, अदर्स को कितना मिल रहा है, 0% में आ गया। तो कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ सिगेंट क्या है, सिग्नल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट, जिसके अंदर हम लोग रडार्स को भी यूज करते हैं। सर हमने बोला था MTI रडार, मैं एक सेशन लगाऊंगा सर MTI रडार के ऊपर, मूविंग टारगेट इंडिकेटर के ऊपर, ये कंसेप्ट आता है रडार्स के ऊपर। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑपरेशनल यूनिट्स, करेक्ट है? अब अगर देखा जाए यहां तक, मैं आपको 2-3 पॉइंट थोड़े स्किप कर चुका हूं, जो अपने पहले वाली न्यूज थी सह्याद्री मेगास के ऊपर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको प्लीज नोट डाउन कर लो सर, कि जो अभी हमने ये नए एक्ट के अंडर सह्याद्री मेगा पेडी वैरायटी को इजाद किया है, उसके अंदर ऐसा क्या है सर, उसके अंदर एक तो प्रोटीन कंटेंट कितना मिलेगा। सर प्रोटीन कंटेंट हमें 12.48% देखने को मिल जाएगा, जो हायर है, हायर देन ओल्डर वैरायटी, हायर देन ओल्डर वैरायटी है। कंसेप्ट देखिए सर, प्रोटीन कंटेंट नई वैरायटी में कितना है, 12.48% है, जो पुरानी वैरायटी से ज्यादा मिलेगा। अगर मैं बात कर लूं इसके ऊपर यील्डिंग की, सर यील्डिंग पर हेक्टेयर फ्रॉम सह्याद्री मेगा इज अराउंड, सर कितना है, यह है अराउंड 65 क्विंटल। कितना है सर,
65 क्विंटल की बात कर रहा हूं सर, यील्डिंग पर हेक्टेयर है फॉर सह्याद्री मेघा न्यू पेडी वैरायटी। कंसेप्ट याद रखना सर इस चीज का। अगर आगे चले तो, अगर आगे चलते हैं, एक और पॉइंट रहता है, अपना लास्ट पॉइंट रहता है इसके ऊपर सर, इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं कि कैन बी हार्वेस्टेड आफ्टर 120 डेज ऑफ सोइंग। कंसेप्ट देखिए सर क्यों बेटर है। सबसे पहला पॉइंट बेटर इसलिए था ब्लास्ट डिजीज से बच गई, दूसरा बेटर था प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, 12.48% बहुत ज्यादा आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 65 क्विंटल की हमने देख लिया। चौथा पॉइंट क्या है कि जब ये हार्वेस्ट किया गया उसके 120 दिन के बाद इसको काट सकते हो आप लोग, तो बहुत जल्दी प्रोडक्शन हो रही है इसकी, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हम ये पॉइंट से हम लोग जो बोलते नहीं है कि एग्रीकल्चर इज डिपेंड अपॉन द वेदर ऑल्सो, हम ठीक है आज भी बोलते तो हैं बट थोड़ा सा अब कम हो जाएगा, इतनी जल्दी हार्वेस्टिंग आ रही है 120 दिन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन मैं यहीं तक ओवर अप करता हूं। हमने एक ये भी न्यूज पढ़ लिया था, हम बाकी की न्यूज को नेक्स्ट सेशन में कवर अप करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आशा करूंगा कि ये वाला सेशन भी आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए। फिर भी कोई आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।